कोई धड़ी है ना धोरी है कोई सुने ये पड़ा तो बंद पड़ा ये बहुत तकलीफ हो रही है। अभी ये कम से कम ढाई तीन महीने तो पड़ा था। अधिकारी आते हैं देखते हैं चल जाते हैं वो कुछ नहीं रहा। दौराई रेलवे फाटक पर हो रहे ओवरब्रिज निर्माण में हो रही देरी के विरोध में क्षेत्रवासियों ने अपनी नाराजगी प्रकट की। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने कहा कि पिछले 3-4 सालों से यह कार्य चल रहा है लेकिन कार्य अभी तक पूर्ण होने का नाम नहीं लेता क्योंकि इस कार्य की गति चींटी की चाल से चल रही है। साथ ही जल्दी घर पहुंचने की जद्दोजहद में लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं। रेल पटरी पार कर शॉर्टकट से घर पहुँच रहे हैं जिसके कारण दुर्घटना का शिकार हो रहे हैं और यहाँ पर कई लोगों की मौत भी हो चुकी है लेकिन प्रशासन के द्वारा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। क्षेत्रवासियों ने मांग की है कि इस ओवरब्रिज का निर्माण जल्द से जल्द किया जाए ताकि आमजन को राहत मिल सके। ये कार्य तो करीब 5 साल पहले स्टार्ट हुआ था जी और उसके बाद में इनका बीच में फिर 2 साल इसके हो गया फिर रुक गया। उसके बाद में 2 साल बाद में फिर ये चालू हुआ है। उसके बाद में फिर इन्होंने ये काम करिया ला के अभी यहाँ पर रोक दिया इस काम को। ठीक है और फिर अभी इनको मतलब बिल्कुल काम को एकदम स्थिर है बिल्कुल रुका हुआ है। कहीं कोई कुछ नहीं कोई अधिकारी नहीं आते हैं कोई कुछ नहीं आता है सारा ब्लॉक कर रखा है इन्होंने रोड इधर से ब्लॉक है उधर से ब्लॉक है चारों तरफ से रोड ब्लॉक है पब्लिक को आने जाने में परेशानी हो रही है। और ये सेटरिंग इन्होंने ये लगाई है आज के 4 महीने हो गए इसको कंप्लीट हो चुके हैं। ये रोड इन्होंने अलग बंद कर रखा है वन वे कर रखा है इसको कम से कम ये रोड बोल कर पब्लिक भी निकलने में इतने सारे आए भी यहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं सारी चीज़ें भी दिक्कत आ रही है। अधिकारी आते हैं देखते हैं चल जाते हैं वो कुछ ही नहीं रहा है काम सारा ऐसा यथास्थिति के अंदर बंद पड़ा है। अभी दुकानदार सारे परेशान हैं काम धंधे सबके ठप पड़े हैं और दूसरा इनको मतलब प्रशासन की तरफ इस तरफ पर भी बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रहा है। कम से कम इधर देखे तो सही आए तो सही पब्लिक को कितनी परेशानी है क्या है कोई काम कुछ नहीं हो रहा है। चारों तरफ से रोड बंद है पब्लिक परेशान है पब्लिक बोल बोल के थक गई धरने प्रदर्शन हो गए सब कुछ हो गया मीडिया वाले भी काफ़ी आ गए आप लोग भी कई बार आए पर ये है कि सुनवाई कहीं कुछ नहीं हो रहा है सारे परेशान हो चुके हैं। डेयरी अध्यक्ष ने भी इसके अंदर इंटरफेयर किया उन्होंने कुछ बोला है तो उनकी भी बात का कोई यहाँ पर मतलब नहीं है कोई कुछ काम हो नहीं रहा है। पार करके जाती है अभी यहाँ 5 दिन पहले भी एक हादसा हुआ एक बुजुर्ग की डेथ हुई है अभी 5-7 दिन पहले तो उनकी भी यहाँ पे रोड क्रॉस कर रहे थे तो ट्रेन के अंदर चपेट में आने से उनकी भी डेथ हो गई है। जी जब उस समय इन्होंने ये पिलर बनाने के लिए यहाँ पे 20 फीट गड्ढा खोदा था तो उस समय एक व्यक्ति की यहाँ से गुजर रहा था तो वो पैर भी फिसलने की वजह से नीचे गिरा गया और उसकी भी यहाँ पे डेथ हो गई है। और उसके बाद में ये जो दुकानें बनी हुई है दुकानें भी उसी गड्ढे में गिरी थी तो ये तो वापस इन्होंने बना के दी है पर मतलब हालत बहुत ख़राब है। क्या गेट की तो बहुत परेशानी रहती है अंदर कोई डिलीवरी केस है कोई काम पे आता है कुछ बहुत सी परेशानी हो रही है वो रेलवे पुलिस वाले आके चालान कर रहे थे। अब हम लोग अंदर रहते हैं 5 साल की आबादी केस है जहाँ आगे सुभाष नगर से भी बहुत शाम की तरफ भीड़ रहती है बहुत परेशानी आती है हर चीज़ की यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ से निकले कहाँ से नहीं निकले कोई चाहे डेयरी वाले हो चाहे रेलवे वाले हो ब्रिज नहीं बना पा रहे जिससे बहुत सी परेशानी आ रही है कोई काम काज के लिए लेट हो जाता है कोई डिलीवरी केस स्कूल के बच्चे बहुत सी परेशानी है तो कृपया मेहरबानी करें इसको जल्द से जल्द सही करवाएं ताकि पब्लिक के लिए आराम हो। जी सुना है आप अखबारों के मुताबिक सुनते हैं कि कोई ठेकेदार को पेमेंट नहीं मिला या आगे से नहीं मिला। अब हमारे तो पब्लिक के सुनाई में आता है कि आधा ये रेलवे के खर्चों से बन रहा आधा डेयरी वाला खर्चे को बन रहा अभी तो सब मालिक ही जाने कि किसके खर्चे से बन रहा किसके खर्चे लेकिन कुल मिला के अंदर की पब्लिक को बहुत है। मैं अंदर रहता हूँ बहुत से यहाँ आए दिन एक्सीडेंट होते हैं कोई ट्रेन के नीचे आ जाता वही जब से ब्रिज बना है तो इनने अंदर गया रास्ता भी नहीं बनाया बहुत सी परेशानी रही पब्लिक को। 2-3 आदमी और ये अभी ये कम से कम 2.5-3 महीने तो उसका पड़ा था। कोई पानी में गिर गया था एक तो यह पानी में मर गया 2-3 एक्सीडेंट यहाँ भी हो गए थे बड़ी समस्या है। अजी कोई धड़ी है ना धोरी है कोई सुने ये पड़ा तो बंद पड़ा यह बहुत तकलीफ हो रही है। हम तो यही कह रहे हैं जल्दी से जल्दी हो जाए तो पब्लिक का भला हो जाए आने जाने का हमारे रास्ता सही हो जाए और ये आप ये आवाज़ हमारी प्रशासन तक पहुँचे। हमारी समस्या इतनी बेहद हो रही है कि यही पुराने बुढ़े ठाडे आदमी। ग्रीन वैली रिसोर्ट फैमिली के लिए सुंदर हरा भरा रिसोर्ट एंड रेस्टोरेंट्स, बर्थडे पार्टीज, मैरिज, किटी पार्टी, एनिवर्सरीज और अन्य आयोजन के लिए एसी रूम, स्विमिंग पूल और गार्डन उपलब्ध है। ग्रीन वैली रिसोर्ट खरखेड़ी पुष्कर रोड अजमेर। तो आज ही संपर्क करें 9784314877 9414205740 9928005740।
सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल अजमेर हर एक प्रकार की आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित 7 नेशनल स्पोर्ट्स कोर्ट के साथ एडमिशन ओपन। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल पृथ्वीराज नगर ए ब्लॉक के सामने पंचशील नगर अजमेर। संपर्क करें 7300303072 और 7073471999। श्री लक्ष्मी विहार फाइसागर रोड अजमेर। क्या आप फाइसागर रोड पर नई कॉलोनी में अपना प्लॉट लेना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें 7737226695। हमारे यहाँ उपलब्ध है 65 गज से लेकर 180 गज तक के प्लॉट्स। आज ही बुक करें, बने अपनी जमीन के स्वयं मालिक। अगर आप बना बनाया मकान भी लेना चाहते हैं तब भी संपर्क करें 8302503428। श्री लक्ष्मी विहार फाइसागर रोड अजमेर।